सो गाइस नाइस टू मीट यू और ये है मेरी मम्मी और यहाँ मैं और हमारी पार्टी। दो मिनट मुझे बात करने हम यूट्यूबर ठीक है गाइस बिरयानी खा लो मैं वो आदमी का तो मैं ये बोला था गाइस ये मेरी मम्मी है और यहाँ मैं और हमारी पार्टी। एक हफ्ते से मुझसे बात नहीं कर रही है और मम्मी जब से मेरी लड़ाई हुई है मम्मी में लड़ाई होगी क्यों बात हुई किस बात में मैं वो बताना जरूरी समझती। 10 seconds later देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ। मम्मी ने ना ओवन खोला और खड़ी हो गई कह रही यार ओवन चल ही नहीं रहा। ओवन बंद तो करो तभी तो चलेगा वो। तो लीक कैसी हुई कैसे हुई तली 12 seconds later अरे प्लीज बाल बना दे मोटी प्लीज मेरी मिनाली प्लीज बाल बना दे देख मैं ऐसी बंगन थी बंगन ऐसी इसकी भी ले वीक मांग मेरे से प्लीज 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 अदित मोटी अदिति तूने का मुझे पूछी बना दिया। ये फंस गया सी है समझ रहे हो बिल्ली 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 अच्छा बंटी तो मम्मी को परेशान करते हैं ठीक है मम्मी को परेशान करते हैं बढ़िया मम्मी को परेशान तो करना ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान। मैं ये जानती हूँ किसी ने तुम्हें बात पसंद कर दी है तो अभी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है ए मार दूंगी कान पे। सुंदर लगी ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है। हम कटलेट बनाने की हमने प्लानिंग करी है कि हम कटलेट बनाने वाले हैं एंड हाँ यस हमने कटलेट बनाने सोची है। अभी कुछ दिन में हमारे पास इतना कुछ करने के लिए नहीं है एंड हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है हमको जल्दी से कटलेट बना के खाने हैं क्योंकि बस बना के खाने हैं चलो खाते हैं आ जाओ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं क्या कहते हैं किचन चैनल खोल लिया है तो गाइस काम ना बढ़े तो उसके लिए ना हम तो इसलिए ना मैं आलू ओवन में उबालूंगा हाँ मैं आलू ओवन में उबालने वाला हूँ मुझे पता है क्या करना है समझो आलू ओवन में ही उगते हैं तो मैं इनमें छेद करूंगा पहले तो मोटी यहाँ पे ऐसे मानी चल आलू में छेद कर तो छेद करो ना छेद छेद करने के लिए तो बनी है। 10 seconds late है बेकार है बस लिटरली मैं मतलब आलू में छेद करा था एंड मैंने ये कर रही थी मैंने आलू उठाया इसने मेरी उंगली में घुसेड़ दिया मजे आए गाली सुन के इसको। आलू की पिट्टी कैसे बनाते हैं एक मिनट हमारी शेफ मम्मी हमको बताएगी आलू की पिट्ठी कैसे बनाते हैं प्लीज बात के अंदर वो डाल ले। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार भी कुछ भी मम्मी बता दो ना मैं पापा आपको दूसरा पापा गिफ्ट करूंगी अगर आपने बताया प्लीज क्या पहले आलू उबाल ले ठीक है उनको छील ले मीस ले मीस के लाल मिर्ची धनिया गरम मसाला नमक ये सारा सामान डाल ले और उनको मिक्स कर ले बस बस और मैं आपकी सर टेस्ट कभी लाई नहीं पाता जिंदगी में वो मेरे हाथ का टेस्ट है अपने हाथ का टेस्ट अलग बना मम्मी मुझे तो कोई हाथों का टेस्ट उधर पता है मेरे हाथों का नहीं मेरे में टट्टी से टेस्ट। अब चलिए से बैट खोल दे पकड़ जल्दी कैमरा ये काम मैं कर लूंगी कैमरा मैन मैं लगाऊंगा पिछली बार भी आग लगा दी थी अन्नू आपके घर वाली आग बोली तू मैंने कहा था गरम हवा ना छू तू ना छू ठंडा है मैं मारूंगा तेरे को बोल बंद कर दे। आई नीड योर हेल्प मुझे नमक मुझे डाल के दे दो ऐसे क्या देख रहे हो यार मम्मी को फ्रेम मिले मम्मी को हमको मतलब मम्मी को फ्रेम मिले मम्मी मम्मी आनी चाहिए। अरे मैं भूल गई मोटी अदिति मिर्ची दिखाती है ये इंसान अबे साले मिर्ची खाती है ये अरे तुम डाल दो उसका क्या करूंगी मैं आप डाल लेटर लेटर खाना बनना गांजा गांजा Listen to mama and talk, draw some. मैं भी करूँगा।
सी दिस गाय नंबर वन बुलशिट गाय। अब हम हमारा पहला मोदक जा रहा है और ये बनाया परी ने, वो भी गंदा वाला। अरे तुम चुगला, मैं बनाऊंगा ये देखो, मैंने यहाँ बना कर रखा है। चमका दी। अरे तुम डालना। कोई मेरे को जज कर रहा था शायद से। लूला सा मैं बनाऊं प्लीज। इसका रख मुंह कढ़ाई में दे। फर्स्ट बन गया ये बहन, इसको बंद कर। अरे अदिति ओके नहीं चैन दे कि रिकॉर्डिंग तो बंद है तेरी। मैं इसका कटलेस देखो। ए डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। बरेक तूने कवर इतना फनी बनाया। ओके गाइस हां हमारा कटलेस बन चुका है। देखो गाइस मेरे को खाना बनाने आता है सैंडविच। ओके गाइस देखो हमारा कटलेस कितना टेस्टी लग रहा है। नाउ अभी हम इसको बाद में खाएंगे। गाइस हमारे कटलेस बन रहे हैं और बस हमारे कटलेस बनने वाले हैं। अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर क्रिएटिविटी गोज अपोज टू मतलब देख सकते भी दो नहीं 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 चोर 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 ओके वही खाने के मामले में चोर नहीं। बाय बाय पावर रेंजर एसपी। तो क्या नाचो। देखो ये हमारी जले हुए नहीं है, हमने चलते चलते हमारा तेल काला हो गया था तो इसी से उनको इन पर काला चल गया है। और ये शेप्स हाँ ठीक है तुम मान सकते जल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो दो बच गए थे ना वो मेरा भाई ले गया जो अच्छे थे, जो सबसे अच्छे बने थे। कोई नहीं खाते आ जाओ। अरे तुम अंडा खाओ मैं यही खाऊंगा। ओके सॉरी Nice. मैं आपको खाने के बाद मिलता हूँ। चाचा ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? So guys, अभी तक तो 6 बज रहे हैं एंड मैंने वो खाने पीने के बाद हम लोगों ने बैठ के बातें वगैरह करी थी थोड़ी देर, एक घंटा थोड़ी देर बोल रही हूँ एंड 1 घंटे बाद फिर हम लोगों ने मैंने वो चीज रिकॉर्ड नहीं करी एंड देन उसके बाद फिर हमने यहाँ पे गाने लाके बहुत देर तक डांस किया, यानी कि 1 घंटा डांस किया। वो चीज भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है गानों पर, सिंपल सी बात है। सो अब मैं रिकॉर्ड करी बिकॉज अब वो दोनों जा चुके अपने घर पे एंड अब है मेरा सिंपल डे। अब मुझे थोड़ा टेंशन होती है कि मैं अब आगे दिन में क्या करूंगी बिकॉज 6 बजे के बाद मेरा डे काफी लेज हो जाता है, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। एंड लेट्स सी मैं भी क्या करता हूँ। मम्मी बाजार गई है एंड मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं, लेकिन अगर मेरे को कुछ भी होता है तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा पक्का। साड़ी आनी बेड़ी औरतें बनकर आती हैं बाजार में, सबसे सुंदर हूँ मैं समझे नहीं। मैंने गाइस बताया था मम्मी अभी बाजार गई है तो यार मेरे बाल सेट होते, तो गाइस मैंने बताया जैसे मम्मी अभी बाजार गई है तो भैया मम्मी का जो थैला उठा के लाई बाजार में सामान से, तो वो मम्मी से इतना उठाने गया, मम्मी की सास फूली उठाने में, तो मम्मी कह रही कि तू मुझे मेरा मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आया। वो कहता मैं ढूंढता था आप आपको, तो मम्मी कह रही बाजार की सबसे सुंदर पहचान लेता मतलब खूबसूरती पे देखो कितना घमंड है। मम्मी जोक अच्छे मान लेते वैसे आप। अच्छा हाँ तू मेरे साथ बाजार चल, अगर मेरे से ज्यादा सुंदर औरत कोई मिल जाता को बाजार के अंदर मैं हूँ ना जाना छिपकली से मुंह की चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि कोई तकलीफ। सो गाइस मैंने खाना भी खा लिया है एंड मम्मी ने बनाया था उसको क्या कहते हैं, मैंने उसकी रिकॉर्ड करना भूल गई, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैं सोकेट होता एंड मैं ज्यादा जल्दी मैं खाऊं, मैं बताऊं मैं खाऊं भी। मम्मी ने क्या बनाया था ये तो मुझे भी नहीं पता, छोड़ो ना पेट में क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है अभी बज रहा है 10 बजने वाले ऑलमोस्ट एंड मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए क्योंकि अब मेरी प्लानिंग हो रही है बैठ के मेरी सीरीज वगैरह देखने की एंड यहीं पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। बट उससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि मेरा ना व्लॉगिंग करने का काफी टाइम से ये प्लान बना था बिकॉज आई लव व्लॉगिंग, सीरियसली मुझे ना इतना मन करता है व्लॉगिंग करने का बट मैं कर नहीं पाता हूँ, नहीं कर पाता वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई मैं नहीं कर पाता बट रियली मेरा बहुत ज्यादा मन करता है व्लॉगिंग करने का एंड मैं चांस ढूंढता हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ उसमें बट नहीं मिल पाता मेरे को। तो काफी सारे लोग जो मेरी पब्लिक जो व्लॉग में इंटरेस्ट रखती है तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि व्लॉगिंग स्टार्ट करो फैमिली के साथ, आपकी फैमिली काफी इंटरेस्टिंग है। बट मेरी लाइफ में इतना कुछ डेली इतना कुछ खास होता नहीं है जो मैं दिखाऊं और डेली व्लॉग में मैं जैसे कि ओके डेली व्लॉग में ऐसा मेरे लाइफ में डेली व्लॉग में इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती नहीं है। मैं सोचता जिस दिन मैं व्लॉग करूँ तो मैं उस दिन ज्यादा एक्टिविटी करूँ ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा
कंटेंट आए एंड वीडियो ज्यादा बोरिंग ना लगे, बट मैंने डेली लोग देखे तो उसमें वो नॉर्मल लाइफ जीते वैसे दिखाए होते हैं एंड मैं भी ऐसी कोई ऐसी कोशिश करती हूँ, बट मैं सोचती हूँ ये दिखा के क्या करूंगी ये दिखा के क्या करूंगी, फिर सोचती हूँ डेली व्लॉग भी तो करना है, तो मेरी मम्मा से चलता मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी, तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने पोल भी डाला था तो आपने उस पर काफी सारे लोगों ने ना भी बोला था पर काफी सारे लोगों ने हाँ भी बोला था, मैं कन्फर्म हूँ जिन लोगों ने हाँ कहा था वो लोग व्लॉग में इंटरेस्ट रखते हैं। चली गई। अच्छा ओके गाइस, अब मैं कोशिश करूंगा आगे भी मैं ऐसे व्लॉग वीडियोस लाऊं, अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता तो मैं जरूर आगे से भी लाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे चैनल की बहुत ज्यादा रीच गिरी हुई है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे चैनल की रीच गिरी हुई बिकॉज मैंने वीडियो पहले बहुत ज्यादा लेट डाली थी, रिएक्शन तो उस पर भी अच्छे व्यू नहीं आए थे, उसके बाद भी मैंने इमोजी वाली और रिएक्शन डाला फिर से मैंने अपने दोस्त के साथ तो उस पर व्यू नहीं आया, तो मैं सोचा अब जो फैंस मांग रहे थे उससे बना लूं, बात रिएक्शन की मेरी मम्मी मेरे से बात ही नहीं कर रही है, मेरी मम्मी मेरे को सिर्फ जवाब दे रही है, मैं उनसे कुछ पूछता हूँ ना तो दो बार तीन बार पूछूंगा उसके बाद मम्मी मेरे को जवाब दे देती है एंड जस्ट ये हो रहा है, मम्मी मेरे से बात ही नहीं कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सो अगर मम्मी मुझसे बात करती है तो मैं रिएक्शन करूंगा, बट अभी जब तक नहीं करी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरे साथ रिएक्शन बनाओ, सो बाय बाय टाटा, सी यू टुमॉरो, सो नहीं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय, वेल डन वेल वेल डन, I got broads in Atlanta, just to lean the fan, credit cards in the scams, hitting the licks in the